गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 13.4। हम कंटिन्यू करेंगे, हम पहले आपके दो क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, क्वेश्चन 1-2। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या है, आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको क्या दिया कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ईच डायगनल ऑफ इट। आपको फाइंड करनी है डायगनल की लेंथ। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे फिगर देखो आप, रेक्टेंगल की फिगर गिवन है, आप रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री एंगल क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे इसमें क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें आपको गिवन क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना क्या है, मेनली क्या निकालना आपको, डायगनल निकालना। तो डायगनल के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको फाइंड आउट होनी चाहिए, ओके। तो ना आपके पास होनी चाहिए, यहाँ से आपको लेंथ गिवन नहीं है, सिर्फ आपको ब्रेथ गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 34 सेंटीमीटर, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, रेक्टेंगल का 2 × लेंथ + ब्रेथ = 34। तो 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 17 सेंटीमीटर, 5 + b = 17 सेंटीमीटर, b = 17 - 5 = 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ ब्रेथ दोनों है, तो हमें निकालने के डायगनल, डायगनल यहाँ पे क्या, हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस रूल क्या थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस = AD² + AB², यानी b² + perpendicular² वैल्यू पुटअप कर दो, BD² = AB क्या है 12 सेंटीमीटर और AD क्या है 5 सेंटीमीटर, 144 + 25 = 169। ये BD² है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, BD आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। हम देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, द साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर गिवन बिलो। आपको क्या दे रखी, साइड गिवन है, यहाँ पे दो आपको पार्ट गिवन है, एक मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो a = 6 सेंटीमीटर, b = 8 सेंटीमीटर, c = 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर निकालना है। a² क्या आ जाएगा 36, b² क्या आएगा आपका 64, c² क्या आएगा 100। अब आपको ये देखना है जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है आपकी 100, वो जो दो आपके वैल्यू है 36 + 64, उनके प्लस के इक्वल है या नहीं है। अगर वो जो ग्रेटर वैल्यू है, उन दो जो लेफ्ट जो आपकी साइड है उनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल आपका बन जाएगा। अगर उनके प्लस के इक्वल नहीं है तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो 36 + 64 = 100 और c² भी आपका क्या है 100। तो इसका मतलब ये जो आपकी साइड है वो ट्रायंगल की साइड पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है। द ट्रायंगल विद द गिवन साइड इज ए राइट ट्रायंगल, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ पे आपको दो एंगल गिवन है, 30 डिग्री 60 डिग्री, और एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है क्या हुआ, वो क्या होता है, 180 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 60 + 30, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब आपको ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गिवन है, तो थ्री स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सी ट्रू है। तो जो आपकी फर्स्ट वाली ट्रू है, वो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी आपकी, ठीक है। ab² + a² = bc². अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपकी, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल किस पे, सी पर। प्रूव दैट ab² + 2ac², ठीक है। देखो फर्स्ट हमें क्या है कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो AC इक्वल होगा किसके, BC के। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम ab² = ac² + bc² पाइथागोरस आप लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए ab² = यहाँ पे AC और BC इक्वल है, तो BC की जगह पे आप क्या लगा दोगे, AC इसलिए लगाए क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, 2ac², तो ac² + ac² = 2ac², ab² = 2ac² हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए लैडर इज ऑफ 15 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट, यानी कि जो बीच में आपकी जो नीचे AC है वो स्ट्रीट है, ठीक है। उससे ग्राउंड से जो ए पॉइंट है वो ग्राउंड का पॉइंट है, उसे 9 मीटर अबव क्या है, बी पर एक विंडो है, ठीक है। और जो लैडर है जो पी पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गई, वो लैडर है, लैडर के जो लेंथ है वो क्या है 15 सेंटीमीटर,
ओके okay? इसी तरह लैडर को इसी पॉइंट पे फिक्स किया हो पी पॉइंट पर, लेकिन उसको दूसरी साइड जो दूसरी साइड है कि उसके स्ट्रेट की उसकी तरफ लगा दिया, वहाँ पर भी विंडो की जो वहाँ पर विंडो की हाइट है ग्राउंड पॉइंट से वो क्या है 12 मीटर। आपको निकालना है क्या है लेंथ ऑफ स्ट्रीट, तो लेंथ ऑफ स्ट्रीट निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट निकालनी है, लेंथ नहीं विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, चौड़ाई निकालनी है इसकी। तो ट्रायंगल आपके दो ट्रायंगल बन रहे, आप देख सकते हो ए बी पी और पी सी डी। अब देखो जो दीवार है वो आपकी ग्राउंड के साथ हमेशा क्या 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, हमेशा सीधी खड़ी होती है जो वॉल होती है, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो ए बी पी ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ए पी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी बी की वैल्यू है 15 स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 9 स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, 225 स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, माइनस करोगे 81 को तो क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर अब हम क्या करेंगे स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे अनरूट करेंगे, 144 का अनरूट क्या होता है 12, ठीक है, या फिर 12 × 12 क्या होता है 144, ओके ये आ गया आपका ए पी का वैल्यू। अब हमारी जो दूसरी जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है वो क्या है हमारा पी सी डी। पी सी डी में देखिए पाइथागोरस फॉर्म ही लगेगी, तो पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो पी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 स्क्वायर, और पी सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ग्राउंड की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, इसलिए तो 12 का स्क्वायर यहाँ पे सी डी का आपका क्या देखें 12 स्क्वायर, तो 225 में से माइनस कर देंगे 144 को, पी सी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, पी सी आ जाएगा आपका 9। तो लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द स्ट्रीट यहाँ पे विड्थ लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट ए पी प्लस पी सी, तो 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एट्थ क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन में क्या है आपकी स्टेटमेंट, ए मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको क्या निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से इसके डिस्टेंस निकालना है। यहाँ देखिए यहाँ पर देखो आप यहाँ से जो ओ पॉइंट ये आपकी देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो ये आपका ईस्ट की तरफ जा रहा है 12 मीटर और यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है 24 मीटर। हमें ये और ईस्ट पॉइंट की क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालना है, तो क्या निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 100 प्लस 576 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो ए बी इक्वल क्या आ जाएगा 26 मीटर। अब हमें निकाला नाइन क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नाइन क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई आउट करोगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। ए ट्री ब्रोकन एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट, एक ट्री है वो टूट तो जाता है लेकिन अलग नहीं होता, तो यहाँ से इसका मतलब ये झुक के ऐसे गिरेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, ओके। तो इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 6 मीटर डीएम, 6 डीएम, तो यहाँ से इस पे इसका जो यहाँ पे टॉप गिरा इसका इस यहाँ से पॉइंट से इस पॉइंट तक का क्या है 6 डीएम इसकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। अब द पॉइंट वेयर इट ड्रॉप हाइट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक बी ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, व्हाट वर द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2.5 है और ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये भी डी एम, ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करना है, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका ट्री की लेंथ आ जाएगी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे आप, ठीक है। तो ये आप करना है क्या है पूरा आपकी 13.4 कंप्लीट हो चुकी है, ओके, राइट डाउन ऑफ योर नोटबुक। बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।